बेगम जान की जान किस में बसती है ये बताने के लिए हमारे साथ विद्या मौजूद हैं। बेगम जान की जान आज़ादी में बसती है। विद्या के कौन से ऐसे रूल्स हैं जो अगर हम इनके सुने प्रधानमंत्री बना दें तो वो इस देश पे लागू करेंगे? आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हर तरह से मैं औरत को इक्वल दर्जा दूंगी। हाँ, सो आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर मी, क्योंकि बाकी सब जो है ना इल सॉर्ट आउट इटसेल्फ। बेगम जान की अगर हम बात करें, एक ब्रॉथल है और एक बैकड्रॉप पे जंग चल रही है, पार्टीशन हो रहा है, इतना बड़ा एक इवेंट चल रहा है, आपको लगता है कि ये कहानी उसके लेवल तक आ पाएगी, एक ब्रॉथल की कहानी? ये जो बड़ी घटनाएं होती हैं, ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं, वो बड़ी इसीलिए है क्योंकि बड़ी तादाद में लोग शामिल हैं। तो जब इतने लोग में ये वेश्याएं भी शामिल हैं, वो भी इंसान ही हैं, क्योंकि इंसान यहाँ से वहाँ गए, इंसान वहाँ से यहाँ आए। फिल्म के 15 मिनट बाद आप भूल जाएंगे कि ये पार्टीशन की कहानी है या फिर ये कोठे की कहानी है। क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं बेगम जान के जिससे आप खुद रिलेट कर सकती है? पर्सन शी एग्ज्यूड्स पावर, यू नो, और इतनी अग्रेसिव है ना। मैं अग्रेसिव नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे लगता है ऐसे। बहुत सारे लोग डरते भी हैं आपसे। नाम तो बताइए और डराऊंगी उनको। कौन सी ऐसी चीजें आपको लगता है कि लड़कियां ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं, लड़कों से बेहतर कर सकती हैं? लड़कियां ज्यादा अच्छा करती हैं, प्यार ज्यादा अच्छा करती हैं। या वी आर जस्ट बेटर। कौन सी एक ऐसी लाइन है जो आप यू रिलेट? संक्षेप में फिल्म की स्टोरी बताती है वो यही है कि यही हमारा चूल्हा, यही चौका, यही चौखट, यही कोठी, यही कोठा, और इसके पहले कि कोई हमें यहाँ से हटाए, हम उसके हाथ पैर और जिस्म का, वो क्या कहते हैं, पार्टीशन कर देंगे।